तो इस तरह की तैयारियां हर राज्य में देखने को मिल रही हैं पूजा, लेकिन नए वेरिएंट को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर खौफ पैदा है, इसे लेकर क्या कोई विशेष गाइडलाइंस हैं और आज के मॉकड्रिल में क्या अलग तैयारियां हैं? देखिए अभी तो क्योंकि जो केसेस अभी तक इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं वो सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जहाँ तक बात है जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स आने की, पुराने केसेस से जो सैंपल आए हैं उनकी बात हो रही है। अभी जो नए पेशेंट्स आएंगे अगर उनके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, उसके बाद स्टडी करने के बाद पता लगेगा कि वो कितने जो है इन्फेक्टिव और कितने बेसिकली उसकी मॉर्टलिटी या मॉर्बिडिटी। डॉक्टर शेरवाल, बेड्स की कैपेसिटी कैसी है? आपका क्या मैसेज है सर, क्योंकि सरकार काफ़ी सारे पर प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है, बीइंग ए डॉक्टर सर, व्हाट इज योर सजेशंस टू द आम पब्लिक सर? देखिए आम पब्लिक के लिए यही है कि कोविड अपडेट बिहेवियर, ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि हम सब ने देखा है कि पिछले कोई 6 महीने से हम सब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, और क्योंकि हम सब लोग समझते थे कि कोविड से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाने की तो मत जाइए, अगर आपका काम घर से चलता है तो काम वहाँ से करिए, और अदरवाइज़ डिस्टेंस, हाथ धोना और मास्क पहनना, बड़ी सिंपल सी चीज़ें जो हम करते आए हैं, तो वही करनी है, समझदारी से काम करना है और संभल कर रहना है। तो मेरा यही मैसेज है कि लोगों को। डॉक्टर साहब, बेड्स कितने हैं आपके पास और अभी कोई ऑक्यूपेंसी है क्या? देखिए हमारे पास तो बेसिकली अगर टोटल बेड की बात करें तो सफदरजंग हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 3,000 बेड हॉस्पिटल है, लेकिन अभी जो हमने कोविड के लिए ईयरमार्क किए हैं वो हमने कोई 200 बेड्स ईयरमार्क किए हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो इसको हम और अपग्रेड कर सकते हैं। अभी किस तरह की क्वेरीज आपके पास आ रही हैं और टेस्टिंग के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, कितनी देर में रिजल्ट्स आएंगे? टेस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें हैं, देखिए एक तो रेड हम रखते हैं एमरजेंसी में, और अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो उसके बाद जो है PCR टेस्ट किया जाता है, RT-PCR, और साथ में अगर जो ट्रूनेट है थोड़ा कॉस्टली होता है बट वो जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, वो भी साथ साथ हम करते हैं। इस फैसिलिटी में हमने क्रिएट किए है RT-PCR जो बेस टेस्ट है ट्रूनेट का, ताकि वो जल्दी से जल्दी और सिंगल टेस्ट जो है हो सकता है, इसलिए यहाँ रखा है ताकि मरीजों को उसके लिए जो है कहीं और ना जाना पड़े, सैंपल लिया जाता है यहीं पर टेस्ट हो जाता है और 1 घंटे के बाद। आखिरी सवाल सर, आज की तारीख में आपको लगता है कि कोई डर की स्थिति है, पैनिक की ज़रूरत है? नहीं, मैं कहूँगा कि डर नहीं जो है, लेकिन सतर्क जरूर रहना चाहिए हमको, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए क्योंकि अगर बचाव में ही जो है वो है, इसलिए मुझे लगता है सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अननेसेसरली जो है किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और कोशिश करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। बिल्कुल, तो सफदरजंग अस्पताल के MS डॉक्टर BL शेरवाल जिस तरह की चीज़ें बता रहे थे कि तैयारियां भी पूरी हैं लेकिन आम जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उसका समय आ चुका है। वो ताकीद भी उन्होंने की है कि यहाँ पर बेड ज़रूर अवेलेबल हैं कि लोग, लेकिन लोग अपनी तरफ से मुसीबत को दावत ना दें, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, पूजा की तैयारियां तो कर ली गई हैं, अब लोगों की भी जितनी जिम्मेदारी है उन्हें वो भी निभानी होगी। मेरा सवाल आपसे ये भी था, हालांकि डॉक्टर ने भी इसका जिक्र किया कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि नया वेरिएंट अगर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तो हम बता पाएंगे कि उसके और क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आज के इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ विशेष था इस नए वेरिएंट को लेकर तैयारियों के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए हर अस्पताल को सेंसिटाइज किया गया है कि अगर कोई भी केस कंफर्म आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल तुरंत जाए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट लंबा होता है, उसे आने में वक्त लगता है। ऐसे में अगर कोई नया वेरिएंट आया है तो उसे वक्त पर पहचानना ज़रूरी है, और उसके लिए दिल्ली के तमाम अस्पताल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं और हेड्स हैं वो सब तैयार हैं कि अगर एक भी सैंपल के लिए भेजना जरूरी है। इस बीच म्यांमार से जो 4 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए थे एयरपोर्ट पर, उनको ये भी बता दें कि RML हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और वो आइसोलेटेड एरिया में हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उनके सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जा चुके हैं। तो उनके आने के बाद धीरे धीरे ये सब जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि भारत में कोई नया वेरियंट तो नहीं है, क्या BF.7 जिसे लेकर डर जताया जा रहा है वो तो नहीं फैल गया है, या फिर ये ओमिक्रॉन के ही लाइटर वेरियंट हैं जो फैले हुए हैं। तो इन सब पर सरकार की भी नज़र है और अस्पताल भी अपने अपने स्तर पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल जयपाल, अभी आपके साथ भी जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि किस तरह से युद्ध स्तर पर इस पर काम हो रहा है, वहां पर अभी सिचुएशन किस तरह की है, क्योंकि वहां भी जो लोग हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वहां जहां पहले लंबी लंबी कतार लगी रहती थी अस्पतालों के बाहर, खुदा ना खास्ता ऐसा अगर कुछ हुआ तो क्या वो नजारा, वो मंजर फिर से तो सामने नहीं आएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज़ की तैयारी यहाँ पर चल रही है और इसी का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट है उसकी उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसको पूरी तरह से करके दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी जो हैं लगे हुए हैं, अभी उन्होंने टेस्ट लिया और यहाँ पर जो RT-PCR टेस्ट लेने के बाद एक पूरी टीम यहां पर मौजूद है जो लगातार इस काम को किस तरह से करेगी और किस तरह से स्थितियों से निपटेगी वो सब के लिए पूरी टीम यहां पर है। और उसके साथ ही हम आपको अब अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली इनके RT-PCR टेस्ट का पूरी व्यवस्था यहां पर है कि किस तरह से ये डॉनिंग रूम है, उसके बाद रिपोर्टिंग रूम है, सैंपल प्रोसेसिंग रूम है और उसके साथ ही आगे की तरफ पूरी व्यवस्था है। जब तक कि RT-PCR के पूरे जो रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक कहाँ पर पेशेंट को रखा जाएगा। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मियों को पूरी तरह से तैनात किया गया है और यहाँ पर ये पूरी लैब है जहाँ पर ये टेस्ट किया जाएगा रिजल्ट आने तक। और जैसे हमने देखा कि पिछले बार केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ी थी और उस वक्त में जो टेस्ट थे उनके रिजल्ट आने में देरी होती थी, वो इस बार ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए जब तक यहाँ पर एक ये रूम है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आते पेशेंट को यहाँ रखा जाएगा जी, ताकि जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार उसको आगे की जो है ट्रीटमेंट, यानी इस मॉकड्रिल के जरिए ये पुख्ता करने की कोशिश की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं उसका जायजा लिया गया है। फिर चाहे लखनऊ में बृजेश पाठक पहुंचे हो या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में अस्पतालों का जायजा लेने खुद निकले हैं, तो इस तरह की तस्वीरें लगातार आप ग्राउंड से देख रहे हैं जी न्यूज पर। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पूजा आपका भी, जयपाल आपका भी, सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।